गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे 14 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 14वां चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब अपन शुरू कर रहे हैं 15वां लेसन। और 15वें लेसन का जो नाम है वो है नाभिकीय भौतिकी। अब इस चैप्टर में हम नाभिक से रिलेटेड जितने भी हमारे जो टर्म हैं, जितने भी पद हैं, जितने भी बातें हैं, वो अपन नाभिक से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वो है नाभिकीय संरचना। कि नाभिक जो है उसकी संरचना क्या है। नाभिक की खोज तो हो चुकी थी, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने जब अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था स्वर्ण पत्र पर, जब अल्फा कणों की बौछारें की थी तो उसमें नाभिक की खोज हो चुकी थी, ठीक है। नाभिक का जो आकार है वो भी दे दिया गया था। नाभिक का आकार 10^-15 मीटर, जिसको हम एक फर्मी कहते हैं। तो ये सब बातें हो चुकी थी। अब नाभिक की संरचना अर्थात नाभिक के अंदर कौन कौन से कण हैं, नाभिक का आवेश कितना होता है, नाभिक का द्रव्यमान कितना होता है, ये सब बातें अपन अध्ययन करेंगे। नाभिक की संरचना में ये पाया गया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु के मुख्य तीन कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की बाहर का कण है, ये अपन पढ़ चुके इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अपन बात करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक के अंदर विद्यमान रहते हैं, ठीक है। नाभिक को अपन कहते हैं न्यूक्लियस, नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस में रहने वाले कण न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन कौन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं, आवेश रहित होते हैं, आवेश रहित होते हैं। न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता, उदासीन होगा, और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। इसलिए नाभिक का आवेश कैसा होगा, धनावेश होगा, क्योंकि एक कण पर प्लस चार्ज है, एक उदासीन है, इसलिए नाभिक कैसा होगा, धनावेशित होगा, नाभिक धनावेशित होता है। और नाभिक का जो आवेश है वो प्रोटॉन, उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन है उन सभी प्रोटॉनों के आवेशों के योग के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या को एक आवेश से गुणा कर देंगे। जैसे उदाहरण के रूप में मान लो किसी भी नाभिक में चार प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6×10^-19 कूलम, ये एक प्रोटॉन पर आवेश है। तो चार प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा, उसको चार से गुणा कर देंगे तो नाभिक का टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 4×E के आवेश के बराबर, ठीक है। तो ये इसको अपन लिखेंगे कैसे, नाभिक के आवेश को हम ZE के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये अपन ने बोर की परिकल्पनाओं में पढ़ा था, बोर की परिकल्पना पढ़ी थी, उसमें पहले ही परिकल्पना थी जिसमें अपन ने नाभिक का आवेश कितना लिया है, ZE आवेश लिया है। अब यहाँ पर Z क्या है, यहाँ पर Z है प्रोटोनों की संख्या, जिसे अपन कहते हैं परमाणु क्रमांक। किसी भी नाभिक में जितने भी प्रोटीन प्रोटॉन की संख्या होती है वह क्या कहलाती है, Z कहलाता है। तो Z यहां पर परमाणु क्रमांक या अपन यो कहेंगे प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। किसी नाभिक में 10 प्रोटॉन है तो Z का मान कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ पर E क्या है, E का मान क्या होता है, 1.6×10^-19 कूलम,
समझ में आ गया। तो न्यूक्लियस में रहने वाले कण क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। न्यूक्लियॉन कौन कौन होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? धनावेश होता है। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? उदासीन होता है या आवेश रहित होता है। और इसलिए नाभिक का संपूर्ण आवेश क्या होगा? धनावेश होगा। और वह किसके बराबर होगा? प्रोटोनों के आवेशों के योग के बराबर, जिसको अपन व्यक्त करते हैं जेड ई से। तो ये नाभिक की संरचना के बारे में हमने देखा। दूसरी बात, अब ये तो हुई आवेश की बात, अब बात अपन करते हैं द्रव्यमान की, कि नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा। तो नाभिक का जो द्रव्यमान है वो प्रोटोन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के न्यूट्रॉन योग के बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लो 5 किलोग्राम है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मान लो 2 किलोग्राम है, तो नाभिक का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 7 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इनको अपन व्यक्त कैसे करेंगे? अपन विज्ञान की भाषा में किन प्रतीकों के द्वारा इनको व्यक्त करते हैं? तो वो अपन व्यक्त करते हैं कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो अपन व्यक्त करते हैं एमपी से। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को अपन व्यक्त करते हैं एमएन से। ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। और इन दोनों का जो टोटल मान है इसको अपन व्यक्त करते हैं ए से, द्रव्यमान संख्या ए से। ठीक है, या अपन इसको इस प्रकार से भी व्यक्त करते हैं कि ए बराबर जेड प्लस ए, जेड प्लस एम, जेड प्लस एम, ये है द्रव्यमान संख्या। ये नाभिक का द्रव्यमान नहीं है, ये क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या, टोटल न्यूक्लियॉन की संख्या। यहां पर ए क्या है? टोटल न्यूक्लियॉन की संख्या। ए यहां पर द्रव्यमान नहीं लिखेंगे, यहां पर इसको अपन कैपिटल एम के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ये कैपिटल एम नाभिक का कुल द्रव्यमान हो जाएगा। ये ए क्या होगा? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसको कहेंगे? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का टोटल योग ए कहलाता है। अर्थात न्यूक्लियॉन, कितने न्यूक्लियॉन है? पी प्लस एन बराबर ए। प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, जिसको अपन कहेंगे द्रव्यमान संख्या। जैसे मान लो किसी नाभिक में 10 कण है, 10 में से मान लो 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है, तो पी कितने हो गए? जेड का मान कितना हो गया? 5। एन का मान कितना हो गया? 5। ए का मान कितना हो गया? 10। समझ में आ गया? ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 9वीं क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जेड का मान अगर आपके पास में 4 है और ए का मान अगर आपके पास में 7 है, जेड का मान 4, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन की संख्या 4 है। ठीक है, और ए द्रव्यमान संख्या जिसका मान 7 है, मतलब टोटल न्यूक्लियॉन 7 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 3 होगी। बात समझ में आ गई ना? तो ये छोटी क्लासों में भी इसकी चर्चा आई है, ये बातें आई है। और रही बात है द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान में प्रोटॉन का द्रव्यमान और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है उनका जो टोटल द्रव्यमान होगा वह नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसको अपन इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, क्योंकि ये बात तय हो गई थी, ये बात ज्ञात हो गई थी रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में कि किसी भी परमाणु का संपूर्ण जो द्रव्यमान है वो उसके केंद्र पर विद्यमान रहता है और नाभिक के अंदर विद्यमान रहता है, जिसको अपन ने नाभिक दिया, केंद्र का नाम हमने नाभिक दिया, और जिसमें कौन कौन से कण है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो डेफिनेटली ये बात तो तय है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन हल्का कण है जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भारी कण होते हैं, और इनका द्रव्यमान जो है वो लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग समान होता है, इसलिए किसी भी परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है वो
उसके केंद्र पर अर्थात उसके नाभिक में विद्यमान रहता है। तो ये बात तो हमारी हुई नाभिकीय संरचना की, ठीक है, जिसे मुख्य बातें क्या है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पर धनावेश है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ठीक है, और दोनों के कुल संख्या वो अपन कहते हैं द्रव्यमान संख्या। Z यहाँ पर परमाणु क्रमांक कहलाता है जो प्रोटॉन की संख्या को व्यक्त करता है, N यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या को व्यक्त करता है, A टोटल संख्या है, और नाभिक का कुल द्रव्यमान दोनों कणों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। ये थी आपकी नाभिक की संरचना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक जो आवर्त सारणी में अपन ने देखा, आवर्त सारणी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि उसमें अलग अलग तत्वों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया, उनके कुछ ग्रुप भी बनाए गए, ठीक है ना, तो उसके अनुसार उनको किस प्रकार से बांटा गया या उनको क्या नाम दिया गया, जिसमें पहला है समस्थानिक। समस्थानिक को आप सीधे सीधे सरल भाषा में समझ सकते हैं समान स्थान। समस्थानिक मतलब समान स्थान। समान स्थान का मतलब क्या हुआ कि आवर्त सारणी में जिनका स्थान समान है, जिनका स्थान एक ही है, जिनका स्थान बदलता नहीं है, ठीक है। अब आवर्त सारणी किस अनुरूप में बनाई गई, किसके वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक के अनुसार बनाई गई या किस आधार पर बनाई गई, तो वो यहाँ पर आया था कि परमाणु क्रमांक को आधार मानकर, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक आए, बहुत से वैज्ञानिकों ने और अपने आवर्त सारणी का प्रारूप दिया और सबकी गलत हो गई थी, ये आपने टेंथ में पढ़ा था, ठीक है ना, और लास्ट में जो आधुनिक आवर्त सारणी लिया गया वो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर मानी गई, ठीक है। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक है प्रोटोन की संख्या। परमाणु क्रमांक क्या है, Z, परमाणु क्रमांक है प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया। जैसे मान लो किसी परमाणु की प्रोटॉन की संख्या 15 है तो वो 15वें डिब्बे में जाएगा, ठीक है। उनको आवर्त सारणी को फिक्स किया गया, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 2 वाले यहाँ जाएंगे, परमाणु क्रमांक 3 वाले यहाँ जाएंगे, 4 वाले यहाँ जाएंगे, इस प्रकार से, और उनको अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया। और जिन जिन तत्वों के, वैसे तो एक ही तत्व होता है कि जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तो उसको एक ही स्थान दिया गया कि 15 परमाणु क्रमांक वाले जितने भी कण हैं सब एक जगह जाओ, उनका स्थान एक ही रखा गया, इसलिए कहते हैं समस्थानिक, एक स्थान प्राप्त करने वाले कण। और वो कौन से हो सकते हैं, ये सब मैं याद रखने के लिए बता रही हूँ कि आपको एग्जाम में नहीं लिखना समान स्थान, एग्जाम में तो आपको समस्थानिक की परिभाषा देनी है, ये है इसको याद रखने का तरीका है। समान स्थान का मतलब है कि परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक वाले, एक ही परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व है वो एक ही स्थान पर रहते हैं, अर्थात समस्थानिक वे तत्व है जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। स्थान समान होने का मतलब क्या हुआ, परमाणु क्रमांक समान होना, परमाणु क्रमांक समान, ठीक है। और जब परमाणु क्रमांक समान है तो हमारे पास में दो चीजें हो रही, देखो A और M, ये तो क्या परमाणु क्रमांक के अतिरिक्त भी हमारे पास में दो चीजें हो रहे हैं, एक तो है द्रव्यमान संख्या और एक है हमारे पास में न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो इसमें द्रव्यमान संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होंगी, न्यूट्रॉन की संख्या जब अलग है तो निश्चित रूप से द्रव्यमान संख्या भी अलग होगी, ठीक है। और आवर्त सारणी में एक ही स्थान मिलता है उनको, एक ही स्थान पर ये विद्यमान रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब जब आप ये देखिए, आपको मैं एक बात और बता दूं कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है,
जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या अगर समान है तो क्या होगा, ये विद्युत उदासीन भी होंगे, क्योंकि आवेश एक का धनात्मक होता है, एक का धनात्मक होता है, दूसरे का ऋणात्मक होता है, तो आवेश नेट आवेश क्या होगा, उदासीन होंगे ना ये। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होगी इनकी, बात समझ में आ गई। न्यूट्रॉन की संख्या उनकी अलग हो सकती है, तो यहां पर परमाणु क्रमांक समान होंगे, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है और आवर सारणी में ये एक ही स्थान पर रहते हैं, तो ये ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण कौन कौन से होंगे इनमें, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक 1, 2 और ये हाइड्रोजन का समस्थानिक 3। ठीक है, इन तीनों में आप देखिए 1, 1 और 1 किसी भी तत्व को लिखते कैसा है, एक्स जेड और ए, या एक्स जेड और ए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों तरीके सही हैं। ठीक है, अब यहां पर ए तो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल संख्या, जेड क्या है, केवल प्रोटॉन की संख्या, तो यहां पर ये 1 प्रोटॉन की संख्या, यहां भी 1 है प्रोटॉन की संख्या, यहां भी 1 है प्रोटॉन की संख्या, तो परमाणु क्रमांक समान, या अपन जो कहें प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है तो इनके न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होगी, इसमें न्यूट्रॉन क्या होगा 0, इसमें न्यूट्रॉन क्या होगा 1, इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा 2, तो न्यूट्रॉन अलग अलग है, ए अलग अलग है, केवल पी समान है, अर्थात जेड का मान समान है, प्रोटॉन की संख्या समान है, समझ में आ गया। तो ये क्या कहलाते हैं, समस्थानिक, समस्थानिक जिसमें परमाणु क्रमांक समान होता है, अर्थात आवर्त सारणी में उनका स्थान समान होता है, एक ही स्थान पर विद्यमान रहते हैं। तो ये बातें क्लियर होगी सबके, समझ में आ गया, ये अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा समस्थानिक। दूसरा है संभारिक, भार समान, भार मतलब ए, भार समान का मतलब क्या हो, ए समान है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अर्थात द्रव्यमान संख्या जो है वो समान होती है, उसको अपन कहते हैं संभारिक। अब इसमें क्या समान होगा, ए समान होगा, प्रोटॉन अलग होगा, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होगी। वे तत्व जिनमें द्रव्यमान संख्या अर्थात ए समान होता है और भिन्न क्या होगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, अर्थात Z और N का मान अलग अलग है लेकिन उनका योग हमेशा समान होगा। ठीक है, अब यहां पर आप एक बात देखिए कि दो तत्व ऐसे हैं, इनमें तो ये दो तत्व ऐसे हैं जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, आप बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, एक, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, एक, इसमें भी एक, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या अगर समान है तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगी, अर्थात ये ऐसे तत्व हैं
जिनमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण तो किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोटॉन की संख्या पर। और रासायनिक गुण किस पे डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, क्योंकि रासायनिक क्रिया में आयंस काम करते हैं और आयन बनते कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, ठीक है ना। तो जितने भी रासायनिक गुण हैं वो डिपेंड करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या समान है तीनों तत्वों में, इसलिए इनके रासायनिक गुण और इनके जो भौतिक गुण हैं वो भी समान होते हैं। अब इनमें देखें, इनके पर उदाहरण लिखें। कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन में कितना होता है? 6 और नाइट्रोजन में कितना होता है? 7। लेकिन इनके जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी होगी दोनों की? 14। ए का मान समान है, ऊपर ए लिख रखा था, दोनों में ए समान है लेकिन नीचे प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, और जब प्रोटॉन अलग है तो इसके न्यूट्रॉन भी अलग होंगे। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 14 में से आप 6 को माइनस कर दीजिए, कितने बचेंगे? 8। और प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 6। ए कितना है? 14। दोनों का योग आ जाएगा। इसमें देखिए आप, एन कितना है? 7। प्रोटॉन कितना है? 7। नीचे 7 लिखा है, प्रोटॉन की संख्या, और ए कितना है? 14। अब प्रोटॉन की संख्या इसमें अलग है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग है तो इनके रासायनिक गुण क्या होंगे? अलग होंगे। दोनों की रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, अलग अलग रासायनिक क्रियाओं में भाग लेंगे, ठीक है। इनके भौतिक गुण भी अलग अलग होंगे क्योंकि इनकी प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है। बात समझ में आ गई आपकी? और इनकी जो द्रव्यमान संख्या है, टोटल जो इनका योग है वो समान होता है, तो इनका जो नाभिक का द्रव्यमान है वो इनका लगभग समान होगा। दोनों नाभिकों का लगभग द्रव्यमान समान होगा, लेकिन इनमें जो ये संख्याएं हैं ये अलग अलग है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपके? तो ये होंगे समभारिक जिनका भार समान होता है, अर्थात ए द्रव्यमान संख्या इनकी समान। भार समान होने का मतलब आप वैसे मत लेना इनका द्रव्यमान, ये केवल मैं आपको याद रखने के लिए आपको बता रही हूं, ठीक है ना। तो द्रव्यमान को अपन समझेंगे यहाँ पे, द्रव्यमान संख्या ए जो है वो समान होगा। ये बात क्लियर हो गई? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें भिन्न भिन्न होगी, तो ये भी आपके क्लियर हो गया। तीन अपन एग्जाम्पल पढ़ लिए इसके दो। अब आपका जो तीसरे नंबर पे पॉइंट है वो है सम न्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉन समान। न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक। ऐसे तत्व, ऐसे तत्वों का समूह युग्म जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या समान है लेकिन इसमें प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो सकती है, इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकती है, केवल न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, दूसरा द्रव्यमान संख्या व प्रोटॉन की संख्या
भिन्न होते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी और प्रोटॉन की संख्या भी इनकी भिन्न होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल में अगर हम देखें इसका उदाहरण, लिथियम 7 और बेरिलियम 7, बेरियम 7, बेरियम 8 होगा। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए आप कि इसमें P कितना है, 3, M कितना होगा, 4, और A कितना होगा, 7। ये प्रोटॉन की संख्या, 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 4, और ये द्रव्यमान संख्या 7। इसमें P कितना है, 4, M कितना होगा, 4, और A कितना होगा, 8। न्यूट्रॉन की संख्या 4 और यहां भी न्यूट्रॉन की संख्या 4। तो ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। यहां भी मैं आपको वही कहूंगी कि प्रोटॉन की संख्या 3 है, प्रोटॉन की संख्या 4 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग है क्योंकि प्रोटॉन की संख्या अलग है, इसलिए भौतिक गुण और रासायनिक गुण उनके क्या होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये बात समझ में आएगी सबके। तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े यहाँ पर, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। चौथा जो पॉइंट है वो है दर्पण अवयवी तत्व। दर्पण अवयवी तत्व, दर्पण अवयवी तत्व का मतलब यहां पर होता है कि ऐसे नाभिक जिनमें एक तत्व में प्रोटॉन की संख्या जितनी है दूसरे तत्व में उतनी न्यूट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, तो ऐसे जो तत्व है वो दर्पण नाभिक कहलाते हैं। समझ आएंगे सबके, दर्पण नाभिक, दर्पण नाभिक कह सकते हैं इनको, तत्व की बजाय अपन नाभिक नाम देते हैं क्योंकि नाभिक का ही चैप्टर चल रहा है, तो दर्पण नाभिक अपन कह सकते हैं इनको। एक तत्व के प्रोटॉन की संख्या दूसरे तत्व के न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, दर्पण नाभिक। और दूसरी बात इसमें क्या है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी। उदाहरण और दूसरा उदाहरण लिथियम वाला अपन ले सकते हैं, 7 है और ये अपन ने पढ़ा था, ये तो एग्जाम्पल अपन पढ़ चुके नहीं वाला। इसमें देखिए प्रोटॉन कितने, इसमें प्रोटॉन कितने, 1, प्रोटॉन है 1, न्यूट्रॉन कितने हैं,
दो इसमें, ये वन प्रोटॉन की संख्या, तीन में से एक हटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या। अब आप इसमें देखिए, हीलियम का जो समस्थानिक है उसमें प्रोटॉन कितने हैं, दो प्रोटॉन, दो है, तीन में से आप दो को माइनस करो तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, एक। अब इन दोनों को देखिए आप, प्रोटॉन की संख्या एक या न्यूट्रॉन की संख्या एक, तो एक तत्व में प्रोटॉन की संख्या दूसरे तत्व के न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। एक तत्व में प्रोटॉन की संख्या दूसरे तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं दर्पण नाभिक। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी आप देख सकते हैं, प्रोटॉन इसमें है तीन और न्यूट्रॉन इसमें है चार। इसी प्रकार यहां पर प्रोटॉन कितने हैं, चार, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तीन। तो ऐसे नाभिक क्या कहलाते हैं, ऐसे नाभिक कहलाते हैं दर्पण नाभिक। आ गया समझ में? तो ये आपके, इसका एक नाम हो रहा है प्रतीक नाभिक, दूसरा नाम है ये दर्पण नाभिक को हम प्रतीक नाभिक भी कहते हैं, दर्पण नाभिक या प्रतीक नाभिक। तो कहीं प्रतीक नाम आ जाए तब भी आपको यही एग्जाम्पल लिखने हैं और यही आपको परिभाषा देनी है। बात समझ में आएगी सबके? एक सम अवयवी तत्व भी होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन उनमें जो उनके गुणधर्म है वो अलग अलग होते हैं। गुणधर्म का मतलब, जैसे रेडियोएक्टिव जो पदार्थ है, रेडियोएक्टिव पदार्थ भी अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, जो अलग अलग प्रकार की विकिरण उत्सर्जित करके एक तत्व से दूसरे तत्व में रूपांतरित होते रहते हैं, तो वो भी अपन इसी लेसन में पढ़ेंगे। तो वो होते हैं रेडियोएक्टिव पदार्थ, वो होते हैं समअवयवी तत्व। तो एक जो लास्ट पांचवे नंबर पर है वो होता है सम अवयवी तत्व, उसमें केवल आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो ये आपके वर्गीकरण है तत्वों का कि किस किस प्रकार से उनको किन किन वर्गों में बांटा गया है। समझ में आ गया? इजी सा है, बहुत आसान लेसन है, पूरा लेसन थ्योरेटिकल है। अगर ध्यान से आप देखोगे, मैंने आपको पहले ही कहा था 13वां 14वां 15वां तीनों चैप्टर एकदम आसान चैप्टर है। दो लेसन मैंने आपको पढ़ाए, आपको इजी लगे लगे ना। अब आप, अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी ऐसे हो रहा है कि पीछे जो लेसन हमने पढ़े, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, वो लेसन जो अपन ने पढ़ रखे हैं वो आपके दिमाग से मिस प्लस हो रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। आपने एक बार पढ़े उनको, एक बार आपने समझे, उसके बाद आपने उनका रिविजन नहीं किया तो वो आप धीरे धीरे भूल रहे हैं ना। तो आपको, आप 2 दिन दिए जाते हैं, आप सैटरडे और संडे आप फ्री रहते हैं ना, तो आप पीछे वाले जो चैप्टर है आपको दिए हैं उनका आप रिवीजन करो, करोगे ना रिवीजन, और ये पूरा सिलेबस हो जाए उसके बाद में मैं भी आपको रिवीजन करवाऊंगी। तो उसमें रिवीजन में तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि वो लेसन हम वापस भूल रहे हैं, वो कुछ समझ में नहीं आ रहे। अब आप नोटबुक खोल के देखते हो तो एकदम नए लगते हैं, ऐसे लगता है कुछ पढ़े हुआ ही नहीं है, लगता होगा ना आपको। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहें और मैं जब दोहरान वापस करवाऊंगी तब आप उनका एक बार और रिवीजन कर लें, ठीक है ना। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप आराम से जो डेली पढ़ाया जाए उसको आप डेली पढ़ो, ठीक है। और जब भी आपको समय मिले सैटरडे संडे को, उसमें आप पीछे वाला रिविजन करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।